Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगातार दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों राज्यों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। दोनों राज्यों में कई इलाकों में बाढ़ से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। नदी नाने उफान पर है और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई सड़कें और रेल मार्ग जलमग्न होने के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। रेलवे को 99 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 54 ट्रेनों का मार्ग बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों सीएम से बातचीत कर हालात जाने और कहा कि केंद्र सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है, जबकि 14 और टीमें भेजी जाएगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश हुई। राजस्व मंत्री ने कहा है कि राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक लापता है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और हालात की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अदिलाबाद, निजामाबाद, राजन्ना, सिरसिला, यादाद्री, भुवनगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी और महबूबनगर जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आंध्र प्रदेश में भी पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश ने कई स्थानों पर, खासकर विजयवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्यभर में 17,000 प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।